हेलो फ्रेंड, माय नेम इज आविद अली अंसारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि विप्रो जैसी बड़ी कंपनी में जॉब कैसे लिया जाता है। ठीक है, जॉब लेने का जो प्रोसेस है उस विचार में हम लोग बात करेंगे, उस टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर आप इंटरमीडिएट कम्प्लीट है आपका प्लस इंग्लिश अच्छी है तो आप एलिजिबल हैं जॉब के लिए। ठीक है, कैसे एलिजिबल है मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंटरमीडिएट कम्प्लीट हो जाना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी अच्छी चीज है कि दोस्तों कि आपको एक रेफरेंस आईडी की जरूरत होती है, क्योंकि किसी भी कंपनी में जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहां पे कंपनी या एचआर आपसे पूछता है कि आप किसके थ्रू आए हैं, तो वहां आपको ये दिखाना पड़ेगा या फिर उनको बोलना पड़ेगा सर मैं मिस्टर के नाम पे आया हूं। ठीक है, तो वो उनका रेफरेंस आईडी आपको रजिस्ट्रेशन के तौर पे मेंशन करना पड़ता है, तब आप जाके किसी भी कंपनी में, विप्रो के लिए मैं नहीं बता रहा हूं, किसी भी कंपनी में आप एलिजिबल हो जाते हैं कि हाँ आप इंटरव्यू आप दे सकते हैं। ठीक है, यहां तक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या दोस्तों कि टोटल 4 से 5 राउंड इंटरव्यू के होते हैं। पहला राउंड में आपसे पूछा जाएगा टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आपको अपने बारे में बताना है। तो आपको अपने बारे में बताना है, आपके प्लेस के बारे में बताना है, आपके फैमिली के बारे में बताना, बट शॉर्ट में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपसे एचआर करेगा कि आपके पास कोई पहले से जॉब आप करते थे, मतलब हैव यू एक्सपीरियंस इन अदर कंपनी। अगर आपके पास जॉब करते थे, मतलब आप पहले जॉब करते थे, यस बोलना है, यदि नहीं करते थे तो ना बोलना है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन होगा कि अगर आप जॉब करते थे तो वो आपने जॉब क्यों छोड़ा, व्हाई डिड यू लेफ्ट योर प्रीवियस जॉब, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट। तो वहां पे आपको रीजन मेंशन करना पड़ेगा कि हाँ मैंने इस रीजन से जॉब मैंने छोड़ दिया। ठीक है, कि सैलरी कम थी, ज्यादा कॉल का प्रेशर आता था, मेरे हेल्थ इश्यू थे, जो भी आपका पर्टिकुलर रीजन है यू हैव टू मेंशन इन द फ्रंट ऑफ द एचआर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एचआर आपको सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड के लिए भेज देता है, जहां पे आपकी रीजनिंग टेस्ट होती है, मैथ टेस्ट होती है। जो लास्ट राउंड होगा वो आपका एचआर राउंड होगा, जो कि 5 या 4 एचआर मिलकर आपका सिलेक्शन करेगा कि हाँ ये बंदा कंपनी के लिए एलिजिबल है या नहीं है, वहां पर वो डिसाइड करके कंफर्म कर देगा दोस्तों। ठीक है, तो मतलब फोकस आपको कहां करना है, फोकस आपको ये चीज पे करना है कि आपकी जो इंग्लिश है, इंग्लिश जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो काफी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जितने भी विप्रो में जितने क्लाइंट होते हैं ना, फॉरेनर क्लाइंट, वो सारे के सारे फॉरेन से अधिक होते हैं, चाहे वो कनाडा हो, यूएसए हो, यूके हो। ठीक है, तो जो भी क्लाइंट आते हैं उनका सारा जो लैंग्वेज होता है वो सारा इंग्लिश ही रहता है, वो भी फ्लुएंसी इंग्लिश रहता है, चाहे वो वॉइस प्रोसेस में हो या फिर नॉन वॉइस प्रोसेस में। वॉइस प्रोसेस में भी बहुत सारा प्रोसेस, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होता है, और नॉन वॉइस प्रोसेस में भी बहुत बहुत सारा डिफरेंट प्रोसेस होता है दोस्तों। ठीक है, तो वहां पे इसीलिए बोलता है कि इंग्लिश आपको इंपॉर्टेंट रखता है दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप विप्रो के लिए तैयारी कर रहे हैं कि आपका फ्यूचर जो है विप्रो में है आने वाले 3 साल या 4 साल बाद, तो आप विप्रो के लिए तैयारी कीजिए, बहुत अच्छी बात है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाए तो बेस्ट ऑफ लक, कांग्रेचुलेशन, बट हाँ इसके लिए आपको पहले से प्रिपरेशन करके जाना होगा। ठीक है, और कैसा लगा वीडियो दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।